हर एक शहर के अंदर एक बच्चा निकल के आएगा
एक शहर से एक बच्चा निकल करके आएगा तो हमारे देश का उत्थान हो जाएगा। ये हमारे देश की आन बान शान है, हमारे राष्ट्र की ये नन्हे मुन्ने बच्चे हमारे देश की राष्ट्र की आन है, बान है, शान है। इनका भविष्य उज्जवल है, ये हमारे कल का भविष्य है। इनका सम्मान माता पिता का सम्मान है, बच्चों का सम्मान समाज का सम्मान है, बच्चों का युवा पीढ़ी का सम्मान देश का सम्मान है, और बाल पीढ़ी का सम्मान राष्ट्र का सम्मान है। अगर इन बच्चों के अंदर संस्कारों का बीज बोया जाए, पूज्य गुरुदेव ज्ञान सागर महाराज जी प्रतिभा सम्मान समारोह कराया करते थे, 20 सालों से कंटिन्यू प्रतिभा सम्मान समारोह चल रहा था। अकस्मात समाधि हो जाने के बाद एक साल का ब्रेक हुआ, पूज्य गुरुदेव का फिर से आशीर्वाद सभी भक्तों को मिला और फिर से प्रतिभा सम्मान शुरू हो गया। 3 साल हो गए, 3 साल से हर साल प्रतिभा सम्मान समारोह होता है, इस साल भी संभावित चल रहा है, अंदर अंदर तैयारियां चल रही है। और उस प्रतिभा सम्मान में एक से एक प्रतिभाएं आती हैं, 29 राज्यों से प्रतिभाएं आती हैं। जब हम 1500 बच्चों का सम्मान करते हैं, उन 500 बच्चों में से, उन 1000 बच्चों में से कोई ना कोई एक बच्चा अभिनंदन विद कमांडर की तरह निकल के जरूर आएगा। जब हमारे देश पर आपत्ति आ पड़ी थी तो वो अभिनंदन विद कमांडर जैन जिन्होंने तीर्थंकर प्रभु को मस्तक पर बिठाया था और भगवान ने उनको सद्बुद्धि, उन्होंने अपना देश बचाया था। पूज्य गुरुदेव कहते थे कि हमने बहुत सारे जिनाने बनवा लिए, हमने बहुत सारे संत भवन बनवा लिए, हमने बहुत सारी धर्मशालाएं बनवा ली, ना जाने कितने कितने निर्माण करवा लिए, कितने कितने विधान करवा लिए। अरे याद करो, कल हमारे श्री जी को परिमार्जन करने वाले, अभिषेक करने वाले इन्हीं के अंदर से बोलना है। अगर इनके अंदर संस्कार डाले जाएंगे, अगर इन बच्चों के अंदर संस्कारों का संघनाद किया जाएगा तो यही बच्चे हमारे परिवार की रक्षा करेंगे, हमारे मंदिर की रक्षा करेंगे, हमारे समाज की रक्षा करेंगे, हमारे देश की रक्षा करेंगे, हमारे राष्ट्र की रक्षा करेंगे। इन बच्चों पर मुझे गर्व है, बड़े लोग तो मुझे इतनी जल्दी नहीं लुभा पाते, पर ये बच्चे मुझे बहुत जल्दी लुभा लेंगे। और इन बच्चों के लिए हमेशा दरवाजा खुला है, पूज्य गुरुदेव का ऐसा आशीर्वाद है कि कई बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, IAS की तैयारी कर रहे हैं, IAS की तैयारी कर रहे हैं, इंजीनियर की तैयारी कर रहे हैं, कोई साइंटिस्ट की तैयारी कर रहे हैं, तो कोई आगे बढ़ रहे हैं, कोई MBBS कर रहे हैं। जिन बच्चों के पेरेंट्स नहीं है, किसी की माँ नहीं है, किसी के पिता नहीं है, किसी की आर्थिक स्थिति कमजोर है, ध्यान से सुनना, किसी बच्चे के माँ नहीं है, किसी के पिता नहीं है, किसी बच्चे की आर्थिक स्थिति कमजोर है, और अगर वो बच्चा UPSC पर अपनी तैयारी करना चाहता है, उन बच्चों की तैयारी हम कराने के लिए तैयार है। कोई जज की तैयारी कर रहा हो, कोई साइंटिस्ट की तैयारी कर रहा हो, कोई MBBS की तैयारी कर रहा हो, कोई IAS की तैयारी कर रहा हो, अगर उसको कोई भी बाधा आए वो एक बार अपनी गुरु माँ को याद कर ले, जितना बनेगा उसका पूरा पूरा सही होगा। और कई बच्चे पढ़ रहे हैं यहाँ पर,
बहुत कॉलोनियों से लोग आए हुए हैं। एक कॉलोनी में अगर एक महिला भी आई होगी तो मुझे विश्वास है कि वो मेरी बात को अन्य महिलाओं तक पहुंचाने का कष्ट करे। मैं सभी महिलाओं से, सभी माताओं से, सभी बहनों से, सभी पिता के समान जितने भी भाई बंधु बैठे हैं, उन सब से यही कहना चाहूंगी, आपको ग्रंथों की बात को समझ में नहीं आती, आपको आगम की बात को समझ में नहीं आती, आपको सिद्धांत की बात को समझ में नहीं आती, पर आपको पिक्चर की बात को समझ में आती है ना, आती है ना, आपकी शैली में ही बोल रही है। एक अमिताभ बच्चन की मूवी जिसमें अमिताभ बच्चन के चार बच्चे, तीन थे या चार, तो नाम भी नहीं बताया और चार बोलने लगे, नाम भी नहीं बताया और बच्चे बोलने लगे चार, अमिताभ बच्चन के चार बच्चे। तीन बच्चों ने अपने माता पिता को घर से बाहर निकाल दिया था, लेकिन जिस बच्चे को लेकर के आए थे, पढ़ाया लिखाया था, वही बच्चा अपने से ज्यादा कहता था। जितने भी यहाँ पे लोग बैठे हैं, मैं सबसे यही कहना चाहूंगी, ये आज अपनी नन्नी मुन्नी प्रतिमाएं बैठी हैं, आप एक एक बच्चे को गोद ले लेना, आपके बच्चे आपका साथ दे या ना दे, पर ये बच्चे आपको जीवन पर्यंत नहीं भूलेंगे। आपके बच्चे आपको छोड़ के जा सकते हैं, लेकिन जिस गरीब बच्चे को, जिसके माता पिता नहीं है, जो बच्चा अनाथ है, जिसकी आर्थिक स्थिति कमजोर है, अगर एक बच्चे को भी पढ़ा दिया और वो देश में नाम रोशन करेगा, तो वो पहले आपके नाम को याद करेगा, आपके उपकार को नहीं भूलेगा। इसलिए मैं बच्चों के प्रति हमेशा मेरा भाव रहता है कि जितने भी बच्चे हो, आप कभी भी याद करना, तत्काल ये बच्चे के लिए माता याद। हमारी दृष्टि केवल बच्चों पर ही रहती है। आज आप लोगों ने देखा, कुछ लोगों को बुरा लगा होगा, कुछ लोगों को अच्छा लगा होगा, पहले कोई सम्मान नहीं था। किसी पदाधिकारी का आज के प्रोग्राम में सम्मान नहीं किया, किसी को बुरा लगा? अगर यही सम्मान शुरू में होता, बच्चे बोर हो जाते, बच्चे भागने लगते, चलने लगते। अब तो बच्चों की गिफ्ट की बारी है, बच्चे भी सुन रहे हैं, आप सबका सम्मान भी हो गया है, सबकी प्रस्तुति भी हो गई है, और ये माँ भी आपके साथ ही है। जो कहा था वैसा ही करके दिखलाया, और मुझे, हमें इन बच्चों पर गर्व है कि ये बच्चे आगे चलकर अपने जैन धर्म का नाम रोशन करेंगे, अपने माता पिता का नाम रोशन करेंगे, अपने परिवार का नाम रोशन करेंगे, अपने देश का, राष्ट्र का नाम रोशन करेंगे। और नाम रोशन कैसे करते हैं? हम फास्ट फूड से, हम जंक फूड से जितने बच के रहे, जितने दूर रहे, हम अपने माँ से, पिता से कहें, हमें घर की बनी हुई वस्तुओं का उपयोग कराएं। बाजार की जितनी भी सारी चीजें हैं, वो कैंसर का कारण है, वो रोगों का कारण है। अगर आप अपने बच्चों को घर पे बनाकर के टिफिन दोगे, ये बच्चे आगे हमेशा स्वस्थ रहेंगे। आप बच्चों को उंगली पकड़ के मंदिर लेकर के आओगे, यही बच्चे आपको तीर्थ क्षेत्र की वंदना कराएंगे। इन बच्चों के हाथ में अभिषेक का कलश पकड़ाओगे, ये कभी शराब का प्याला नहीं पकड़ेंगे। इन बच्चों के हाथ में पूजन की थाली पकड़ाओगे, ये आपको भोजन की थाली पकड़ाएंगे। और जिन बच्चों के हाथ में दीप अर्चना के थाली पकड़ा, ये बच्चे कभी बीड़ी सिगरेट नहीं। बचपन के संस्कार बचपन में काम आते, बचपन के संस्कार बचपन में काम आते हैं। ये सारे, इतने सारे बच्चे बैठे हैं, ध्यान रखना, संकल्प ले लेना, आज ध्यान रखना।
जीवन में जो ठान लेंगे, जो ठान लेंगे वही करके निकलेंगे। एक बार आप ठान लो बस, जिन्होंने ठान लिया वो जीत गए और जो मान गए वो हार गए। जिन्होंने कहा हम तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे वो कुछ नहीं कर पाएंगे, जिन्होंने कहा हम पास हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे वो कभी नहीं हो पाएंगे, जिन्होंने कहा हम इस लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, जिनके अंदर नहीं भाव आ गया वो नहीं कर पाएंगे, और जिन्होंने ठान लिया कुछ भी हो जाए धरती आसमान एक हो जाए मुझे करके दिखाना है, मुझे करके दिखाना है, मुझे अपने पापा मम्मी का माता पिता का नाम रोशन करना है। जिस माँ ने तुम्हें जन्म दिया वो खुद गीले में सोई, तुमको सूखे में सुलाया, खुद भूखी रही तुम्हें खिलाया, अपने जेवर बेच करके तुम्हें पढ़ाया, तुम्हारी सारी इच्छाओं को पूर्ति की, कभी अपने माता पिता को धोखा मत देना। डिग्री प्राप्त करो या ना करो, सबसे बड़ी डिग्री है हमारे माता पिता का सम्मान। हमारे माता पिता का सम्मान हमारे हृदय में है तो हमारे पास सारी डिग्रियां हैं, और अगर हमने अपने माता पिता से छल किया, झूठ बोला, तो हम कोई भी डिग्री प्राप्त नहीं कर पाएंगे। जो बच्चे अपना प्रत्येक दिन का होमवर्क करके सोते हैं वो हमेशा ऊंचाइयों पर जाते हैं, और जो बच्चे सोचते हैं आज नहीं कल कर लेंगे, कल नहीं परसों कर लेंगे, परसों नहीं बरसों बाद कर लेंगे, फिर उनके नंबर कहाँ आते हैं, कहाँ आते। एक बार में जिनको याद होता है, एक बार में जिनको याद होता है वो फर्स्ट आते हैं, दूसरी बार में जिनको याद होता है वो सेकंड आते हैं, तीसरी बार में जिनको याद होता है वो थर्ड आते हैं, और जिनको तीन बार में भी याद नहीं हो उनको मोटा मोटा जीरो आते, जीरो मीन्स कम नंबर, कम नंबर आते। हमको फर्स्ट आना है या सेकंड आना है या थर्ड आना है, हमें फर्स्ट आने के लिए मेहनत करनी होगी, अटूट मेहनत करनी होगी, हमें जिनेंद्र प्रभु के प्रत्येक दिन दर्शन करने होंगे। जो बच्चा भगवान के दर्शन करता है, जो बच्चा रात्रि भोजन नहीं करता है, जो बच्चा अपने घर का भोजन करता है वही बच्चा ऊंचाइयों पर उठता है, वही बच्चा अभिनंदन बिग कमांडर बनता है, वही बच्चा आचार्य कुंद कुंद स्वामी बनता है, वही बच्चा आचार्य विद्यासागर जी के चरणों पर जाता है, और वही बच्ची आरिका ज्ञानमती पूर्णमती आदि आदि आरिकाओं के पद चिन्हों पर जाता है। अगर क्यों बच्चों, अगर एप्पल का मोबाइल है तो चार्जर कौन सा लगेगा? क्या नोकिया का चार्जर नहीं लग सकता? नहीं लग सकता, क्यों? बना ही नहीं है। तो हम सब भी जैन हैं, ब्रांड है, और जैन है तो जैन कुल में ही विवाह करेंगे, अन्यथा कौन कौन हाथ खड़ा कर रहा है बताइए? अगर विवाह करेंगे तो जैन कुल में ही करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। देश के प्रति अपना जीवन समर्पित कर देंगे, समाज के प्रति, उनके उपकारों के प्रति अपना जीवन समर्पित कर देंगे। समझ में आई या नहीं? तो एप्पल का चार्जर लाओगे या नोकिया का? कौन कौन लाएगा? समझ में आ गया आपको? देखो ये बच्चे कितने समझदार, एक बार इनके सम्मान में जोरदार तालियां बजाओ। तुम बस एक संकल्प ले लो, तुम बस एक संकल्प ले लो कि मैं अगर विवाह करूंगा तो जैन परिवार में ही करूंगा, अन्यथा अपना जीवन
देश के नाम कर दूंगा, परिवार के नाम कर दूंगा, समाज के नाम कर दूंगा, धर्म के नाम कर दूंगा। तुम केवल एक नियम ले लो और जब भी तुम पुकारोगे ये माँ तुम्हारे साथ होगी।